रामपुर टांडा कोतवाली क्षेत्र के कस्बा लड़ियाल में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम गौरव कुमार, प्रभारी निरीक्षक टांडा स्वार, थाना अध्यक्ष अजीम नगर मिलक खानम दड़ियाल, चौकी प्रभारी राजीव कुमार सहित समस्त फोर्स के साथ फ्लाइंग मार्च किया। क्षेत्र अधिकारी ब्रह्मपाल सिंह ने संयुक्त रूप से कस्बा लड़ियाल में फ्लैग मार्च ड्रोन कैमरे की निगरानी में निकाला। लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइज का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोगों की आवश्यक सामग्री घरों पर डोर टू डोर ही मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर कॉल करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण प्रकोप बढ़ते देखकर हमारे आदरणीय योगी सरकार पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और भारतवासियों से घरों में रहने की बार बार अपील कर रहे हैं। लोग घरों में रहकर अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में सहयोग दें, जिससे हम कोरोना वायरस की जंग जीत सकें। उन्होंने जनता से अपील की कि शासन प्रशासन डॉक्टर्स का सहयोग करें, उनका पूरा आदेशों का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। रमजान में लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें और आवश्यक सामग्री फल खजूर सब्जी आदि घरों पर ही मंगा लें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। अब वह दिन दूर नहीं पहले जिसे जीवन व्यतीत करेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर बना रखिए। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये सर जो फ्लाइंग मार्च दड़ियाल में निकाला है सर, इसमें देशवासियों को क्या संदेश देंगे? हाँ, देशवासी को ये संदेश देंगे कि सभी लोग कोरोना वायरस से इसके संक्रमण को रोकथाम के लिए और लॉकडाउन का पालन करने के लिए सब लोग अपना सुरक्षित रहें, घरों में रहें, अनावश्यक ना घूमें और कहीं भी कोई समस्या आती है तो प्रशासन का सहयोग लें। वैसे सभी के लिए जो इस टाइम रमजान का महीना चल रहा, उनके फल सब्जी और उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। बाकी जो अनावश्यक लोग घूमते हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर अपनी जान बचानी है, अपने आप सुरक्षित रखना है तो आप सभी घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व उल्लंघन करता है उसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों को समझा गया है।